Hey everyone, welcome back to my channel. Today I want to take you on a journey through my first year at NIT Jaipur. इट ऑल बिगिंस विद वन फोटो विद सिस्टर। उसके बाद मैं अपने पापा के संग निकल लेता हूँ जयपुर। तो फाइनली जयपुर पहुँचते ही हम जाते हैं हमारे कॉलेज और पहली बार इतना बड़ा कैंपस देखकर आई गॉट शॉक्ड। सच अ ब्यूटीफुल कैंपस इट हैज। उसके बाद मुझे हॉस्टल रूम अलॉट हो जाता है और फिर रूम मैनेज करा के पापा वापस चले जाते हैं। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज स्केयर्ड। This was the first time I am staying away from my parents. घर से दूर हॉस्टल में रहना क्या होता है मुझे उसका अंदाजा भी नहीं था। पहला हफ्ता डिफरेंट था because I have no family, no friends. I was all alone. But then I met some faces. वो चेहरे जिन्हें हम दोस्त कहते हैं, जिन्होंने एक अलग ही जगह बना ली थी मेरे दिल में और जिंदगी में। फिर पहले आता है हमारे कॉकरोच उर्फ हर्ष का बर्थडे। इसका बर्थडे थोड़ा फीका फीका गया, पर उसके बाद जिसका भी बर्थडे आया उसे GPL के साथ सेलिब्रेट किया गया। एज यू ऑल कैन सी, मेरे केक कटिंग से पहले ही मेरा GPL बना दिया गया एंड दिस ट्रेडिशन इज स्टिल कंटिन्यूड टिल नाउ। जितने मजे मैंने अपने फर्स्ट ईयर में कर लिए थे उतने मजे मैंने पहले कभी नहीं किए थे। दोस्तों के साथ रैंडमली नाचना, किसी का भी सामान ऊपर से नीचे फेंक देना, रैंडमली किसी से भी क्वेश्चन पूछ लेना। तुझे ही देखो, देखे तो आया होगा ना यार, मैं तो बस दलाली करके आया। जय मिस दिया होगा, जय एडवांस दिया होगा। हाँ बिल्कुल दिया। हाँ तो जय जे ई की फॉर्म बता। जे ई फॉर्म यार जूनियर एंट्रेंस एग्जाम। वेट अ मिनट। और जूनियर एंट्रेंस एग्जाम। एग्जाम से एक दिन पहले कॉरिडोर में क्रिकेट खेलना। कभी किसी का भी बिस्तर उठाकर इधर उधर करना। कभी किसी को भी पीट देना। और क्लास में किसी की भी प्रॉक्सी लगा देना। और क्लास में अपने साथ कुत्ते को भी ले चलना। क्लास खत्म होने से 10 मिनट पहले दोस्तों को क्लास में आना। और अगर कोई बीच में घर जाए तो उसे रोकर गुड बाय कहना। एंड मैनी मोर। जयपुर की बारिश अलग ही फील ला देती है कॉलेज लाइफ में। उस टाइम कैंपस में घूमना, रास्ते में फंस जाना, दोस्तों के साथ गाने रिकॉर्ड करना और ग्रुप में जैमिंग करना, कांट बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स। देन कम बिट्स लैग, जो राजस्थान का सबसे बड़ा फेस्ट है। वो फेस्ट के दिन अलग ही दिन थे। नो क्लासेस, नो पढ़ाई, ओनली मस्ती, एंड दोज 3 days आर अनफॉरगेटेबल।
मस्ती तो कर ली, बट फर्स्ट ईयर में मैंने सीखा क्या, आई वॉज अ इंट्रोवर्ट बॉय बट आई बिकम एक्सट्रोवर्ट एंड नाउ आई फील कॉन्फिडेंट स्पीकिंग टू एनीवन। और मैंने म्यूजिक क्लब ज्वाइन किया जिसमें मैंने गिटार सीखा एंड इन सिविल आई ज्वाइन SCM सोसाइटी एंड वर्किंग इन अ डिजाइनिंग टीम। और इस सब के अलावा एज यूजुअल पढ़ाई तो कर ही थी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई फर्स्ट ईयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।